समाज सेवा का एक ऐसा सम्मान जिसे देखकर राजनेताओं के पसीने छूट गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रख्यात समाज सेवी मॉरिस नारोन्हा के बारे में। मॉरिस नारोन्हा का बोरीवली पश्चिम के आईसी कॉलोनी में कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सारे पार्टियों के राजनेता मुबारकबाद देने पहुंचे। एक ओर जहां उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी मौजूद रहे, वहीं दूसरी ओर मीरा भयंदर के निर्दलीय विधायक गीता जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं मौजूदा विधायक सुनील राणे दहिसर विधानसभा की, विधायिका मनीषा ताई चौधरी मीरा भयंदर के गिलबर्ट मेंडोसा और कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सांसद संजय निरुपम शामिल हुए। वहीं उत्तर मुंबई की डायमंड नगर सेविका शीतल मात्रे सहित कई नामचीन हस्तियां व पत्रकार विकास संघ के पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर मुंबई के ज्यादातर पत्रकारों ने मॉरिस नारोन्हा के कार्यालय पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी, जिससे उत्तर मुंबई के राजनेताओं की नींद उड़ गई है। ना किसी पार्टी से ताल्लुक, ना किसी एनजीओ या संस्था के मालिक, बस ऐसे ही समाज सेवा कि ऐसा बीड़ा उठाया कि जनता ने आज उन्हें सर आंखों पर उठा लिया। इस कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उन्हें चाहने वाले लोगों का तांता लगा रहा। लगभग 1000 से ज्यादा गुलदस्ते और सैकड़ों आशीर्वाद के रूप में भेंट उन्हें दी गई। समाज सेवी मॉरिस जी के लिए ये क्षण अद्भुत अकल्पनीय रहा। मॉरिस नारोन्हा, जिन्हें प्यार से मॉरिस भाई कहा जाता है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये सब ईश्वर की माया है। गॉड ब्लेस यू। जिनके एक्सप्लेनेशन के शब्द कम पड़े, जिनकी सेवाओं की तारीफ करने के लिए सेंटेंस कम पड़े, उनके लिए एक वर्ड में मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट हिज ग्रेट एंड कीप इट अप। आपने भले ही ये कहा कि मॉरिस भाई आईसी कॉलोनी बोरीवली, लेकिन सेवा देने की कोई सीमाएं इन्होंने नहीं रखी। मैंने देखा है उनको मीरा भाईंदर में भी आके उनकी सेवा देते हुए, मैंने देखा है उनको इस हाईवे पे कहीं भी खड़े रह गए, तब उन्होंने शायद मुड़ के ये नहीं देखा ये बोरीवली है, दहिसर है, मीरा भाईंदर है, मुंबई है, बांद्रा है। उन्होंने अपनी सेवाओं की लिमिट कहीं एक जगह पर सीमित नहीं रखी। तो सबसे बड़ा ये जो गुण है कि सेवा देना, यही उन्होंने उस समय जो ज़रूरी समझा। और देखिए, वो समय ऐसा था, कोविड का समय था, बहुत सारे ज़रूरतमंद थे और मदद करने वाले हाथ कम थे। ये परिस्थिति ही वैसी थी कि मदद करने वाले हाथ कम थे, और उन कम हाथों में एक ऐसा बड़ा हाथ जो उभर के आया है, उसके लिए मैं आज भी उनको वंदन करती हूँ कि भाई ऐसे सेवाभावी लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में, हमारे शहर में। इन्होंने बहुत दिया है लोगों को। मैं तो आज इस ग्रैंड ओपनिंग को देख के ये देख सकती हूँ कि लोगों का प्यार इन पे कितना है। और अगर ये चाहे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अब बारी है लोगों ने इनको कुछ देने की, और वो देना ही चाहिए। पहली बात तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मैम। गीता मैम को मैं मेरा इंस्पिरेशन मानता हूँ। ये बात मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। लेडीज़ वुमेंस डे जो होता है, वो टाइम पे मैंने एक कैंपेन चलाया था, मैं भी गीता जैन, एंड जेन्यूनली वो कैंपेन इसलिए चलाया था क्योंकि मैं दिल से ये बात मानता हूँ कि मैं भी गीता जैन। जब मैं बोलता हूँ मैं भी गीता जैन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वन लेडी स्टैंड्स आउट अक्रॉस सो मैनी पीपल इन मीरा भाईंदर, फाइट्स एन इलेक्शन इंडिपेंडेंट, विंस, एंड ड्यूरिंग कोविड बार है। बहुत सारे नेता है, मैं बहुत को पहचानता हूँ, कितने आए और कितने गए यहाँ पे। कोविड के टाइम पे कोई बाहर नहीं निकलता, कोविड में सब लोग किसी ना किसी के थ्रू काम कर रहे थे। मैंने मेरी आंखों से कम 6 बार तो बाहर देखा मैडम को। सो उस दिन मुझे समझ में आया दैट वी नीड लीडर्स, लाइक हर साल वुमेंस डे पे आई विल कम आउट, मैं भी गीता जैन कैंपेन लेके, एंड दैट इज बिकॉज आई लव मैम Whichever party I am in, I will come out with this slogan. God bless you.